हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ मिक्स वेज अचार बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी में मैं आपको वो सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे अचार सालों साल ख़राब नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कुछ सब्ज़ियाँ। तो यहाँ पर लिए थोड़े से मटर, आधी मूली और ये जो हरी मिर्च है मोटी वाली थी इनको भी मैंने बीच से कट कर लिया है। और गाजर को भी मैंने 1 इंच के टुकड़े में काट लिया है। और थोड़ी सी गोभी। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक पतीले में पानी रख दिया था, ये बॉईल हो गया है। अब इसकी गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और जो अपनी वेजिटेबल्स हमने अच्छे से धो के और काट के रखी थी उनको हम पानी में डाल देंगे। सारी वेजिज को हम डाल देंगे और इनको हम ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी है। अब मैं लगा दूँगी इस पे ढक्कन और इसको 10-15 मिनट के बाद देखते हैं। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुकी है, हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए आप। तो अब हम इनको छलनी पे निकाल लेंगे। ये मैंने स्टील की छलनी ले ली है, उस पर हम पानी निचोड़ने के लिए छलनी पर ही निकालेंगे। ये मैंने निकाल ली है और इनका मैंने अच्छे से पानी निकाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पे एक बड़ी थाली लूँगी या फिर आप एक कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे मैंने थाली ली है और इस पर मैं सारी वेजिटेबल्स को इस तरह से फैला दूँगी। इनको फैलाने के बाद मैं 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी जिससे इनका जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और ये सूख जाएंगे। ये 3 से 4 घंटे हो चुके हैं मैं ले आई हूँ इन सब्जियों को। अब यहाँ पे हम अपने मसाले को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन में 2 चम्मच राई ऐड की है। इसको मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे। ये 2 मिनट हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया। इनको फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच सौंफ। तो इन सभी मसालों को हम रोस्ट करेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे सभी मसालों को लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो मैं अब इन मसालों को एक साइड रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन वापस से और इसमें हम ऐड करेंगे सरसों का तेल। जितना भी आप ऐड करना चाहें उस हिसाब से ले लें। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको गरम करेंगे। ऑयल को गरम करने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे वापस, ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है, अब मैं इसको रख दूँगी साइड पे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे हमारे मसाले भी ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इनको एक मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, अब मैं इनको पीस लूँगी। तो यहाँ पे हमारे मसाले पीस चुके हैं, तो देख लेते हैं। देखिए, तो अब हम इनको रख देते हैं और अब यहाँ पे ले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और उसमें जो भी हमने वेजिटेबल्स सुखाई थी वो ऐड कर देंगे। ध्यान रहे, सब्जियों में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अच्छे से सूख जाने चाहिए। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ बोल में मैंने डाल दी हैं। अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच और थोड़ी सी हल्दी 1/2 चम्मच। अब यहाँ पे हम मसाला ऐड करेंगे जो हमने पीस के रखा था। तो यहाँ पे राइस ही हमारा अचार काफ़ी खट्टा हो जाएगा, अमचूर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच नमक और जो ऑयल हमने गरम करके ठंडा कर लिया था वो ऐड कर देंगे और इन सबको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स इस तरह से। इस अचार को हम काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, स्टोर करके और खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है जल्दी। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है मिक्स और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अब कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे अचार पे। ये तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए है। तो इसको कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। तो अचार को यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
अब हम अचार को एक कांच के बर्नी में भर के 2 दिनों के लिए धूप में रख देंगे और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा खाने के लिए। वैसे इसको इंस्टेंट भी खा सकते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद ये बहुत अच्छा एकदम रेडी हो जाएगा खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ एक बर्नी में। तो ये देखिए हमारा अचार कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। देखिए अचार देखने में भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो हमारा अचार बिल्कुल रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।